जी का वाइब्स आ गया, तो डिड यू टेक एनी इंस्पिरेशन था और कैसा था वो डांस करना? Funny you say that. As I was watching now, I made that connection because I'm binge watching Wednesday at the moment. No, because we shot this in June. So yeah, I mean, I think it's just a coincidence. Must be what's in now. So. My question to you is, you have made a sad song. So, real life, mein aisa koi moment aaya hai? आपको वैसे किसी ने धोखा दिया? किसी ने ऐसे गाड़ियों में बैठा के फेंका तो नहीं है और ना ही ऐसी गाड़ियां थी जब बड़ी हो रही थी, पर नहीं ऐसा है ऑफकोर्स हम सबकी जिंदगी में आया है, हम सबके दिल कभी ना कभी टूटे हैं या हमने तोड़े हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही ह्यूमन इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं और वो जरूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप में हो, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के उसमें भी हो, अदरवाइज भी कई बार आपका दिल टूट जाता है, तो आई जो फीलिंग होती है जिस तरह से जो दर्द होता है दिल को वो सेम ही होता है, तो वो ऑफ कोर्स मैंने कई बार महसूस किया। अच्छा, एज ए एक्टर आपने ये सीरियस सॉन्ग किया है, बट पर्सनली आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद, रोमांटिक, सीरियस? मुझे हर तरह के सर, डिपेंड्स ऑन माय मूड, ऑनेस्टली ऐसा कुछ एक जॉनरा नहीं है, मुझे हर तरह का म्यूजिक बहुत पसंद आता है, मुझे कोई एक गाना अच्छा लगता है तो मैं उसको बहुत दिनों तक लूप पे सुनता भी रहता हूँ और म्यूजिक मुझे लगता है इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म्स और म्यूजिक में वो पावर है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है, आप कहीं और बैठे हैं लेकिन कहीं और ले जा सकती है, तो म्यूजिक से मेरा बहुत गहरा कनेक्ट है। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक डे इन डे आउट। एंड हाउ आर यू? सॉरी सर, प्लीज बट मी रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट रियल मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि रियल लाइफ में मैं ऐसी बेवफा लड़की हूँ, बट या आई थिंक it's so funny because in most of the singles I play this kind of character who, you know, does this to the guy, pachtaoge, I did that to Vicky, and in this song I've done this to him, but no, in real life I don't do this to guys at all, but yeah, I have faced betrayal in my life of course, but thankfully nobody has chucked my car off a hill yet. You know, जब गाने होते ऐसे आइकॉनिक गाने तो उसको लेकर एक बहुत मेमोरीज होती है हमारी बचपन की ही कहने, और जब रिक्रिएशन होता है तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है हमेशा, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं, तो व्हाट इज योर मतलब पर्सनली आप क्या टेक रखते हैं गाने की रिक्रिएशन? I just answered that in the game. But I think कुछ गाने होते हैं जो मैं उनको बता रहा था पहले, sorry I'm gonna repeat myself. कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप रिक्रिएट कर सकते हैं with some new addition to it. As it is नहीं कर सकते हैं because there's a whole new generation now जिन्होंने ये music नहीं सुना है, तो उन तक पहुँचने के लिए I think कई बार recreation अच्छा भी रहता है, पर हर गाना आपको recreate नहीं करना चाहिए, कोई कुछ classics हैं जो untouched रहे भले वो films हो या song या music हो, उनको touch नहीं करना चाहिए, I believe that. But अगर अच्छी intent से किया जाए recreation तो it's I don't mind it. आपने ये गाना सुना मतलब जब रिक्रिएट हो गया तो आपका क्या था, और पहले वाले गाने को जब सुना था तो आपके क्या पसंद है? पहले वाले गाना मैं बहुत छोटा था जब मैंने सुना था, तो मुझे ऑफ कोर्स याद है वो गाना, पर उनकी आवाज में बहुत जादू है, तो जब उनकी आवाज में ये गाना मैंने सुना था विद दिस न्यू रिक्रिएशन तो मुझे काफी काफी अच्छा लगा। राजकुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये सॉन्ग 1993 में बना हुआ था, सोनू निगम सर गाए थे और मूवी का नाम था बेवफा सनम, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहा ये सॉन्ग करना? सर, फॉर मी इट वाज लाइक एक्टिंग, जैसे हम सीन करते हैं तो मेरे लिए एकदम वही प्रोसेस था, और थैंकफुली लिप सिंक नहीं था, तो मुझे तो जैसा मैं सीन में परफॉर्म करता हूँ वैसे ही करना था, सो नथिंग वाज एनीथिंग डिफरेंट फॉर मी। तो आई थिंक अरविंदर खेरा जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उनको एग्जैक्टली एक क्लियर विजन था क्या चाहिए उनको, कितना शॉट चाहिए, कहाँ से कहाँ चलना है, हमको तो एज एन एक्टर जो डायरेक्टर बोलते हैं वो हम करते हैं,